ना भैया मैं ये काला वाला चाहिए, काला नहीं होगा, ले जाएगा काला घोड़ा ना है मगर मिलता जुलता कुछ। मेरा मानना तो ये है कि जो कड़ी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या ये अमेजिंग नहीं है कि आपकी फेवरेट हॉबी आपके कमाई का जरिया बन जाए, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल मेरे लिए करता है। हर कोई यूट्यूबर भी तो नहीं बन सकता ना, तभी तो कह रहा हूँ अपनी स्किल्स को डेवलप कर, ये तुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा। ओलिम ट्रेड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने ट्रेडिंग के सफर को शुरू करने के लिए। ये क्या है? ओलिम ट्रेड एक इंटरनेशनल ब्रोकर है जो कि इंडिया के साथ और भी कई देशों के साथ 2014 से रेगुलर काम कर रहा है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये उन सभी के लिए अवेलेबल है जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उसे समझते हैं। पर मुझसे तो आती ना यार ट्रेडिंग। मुझे भी लगता था कि ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, फिर मैंने ओलिम ट्रेड इंस्टॉल किया और फिर इन्वेस्ट किया। अब ये मैं तुझे रिकमेंड भी कर सकता हूँ, और जो बिगिनर है वो ट्यूटोरियल की मदद से ट्रेडिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म 24/7 सपोर्ट अवेलेबल करता है, जिससे आप बिना चिंता के अपनी ट्रेडिंग पर फोकस कर सकते हैं, और इसका विड्रॉल प्रोसेस सुपर इजी है। तो अच्छा भी करता हूँ। तो गाइज आप भी स्टार्ट करें ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग, बहुत इजी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करें और मेरा प्रोमो कोड यूज करें, पाएं 50% बोनस अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर और पाएं 30% अपने सब्सक्राइब डिपॉजिट पर। तो गाइस निकलने से पहले ही टूर पे हो चुका है एक कांड, मैं बाइक के पेपर अपने घर भूल गया था। जल्दबाजी में कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही बोले निकल रहे हैं हम लोग, तो मैं तो ऐसे ही उठा के बाइक लिया है, तो पेपर भूल गए। अब 10 किलोमीटर वापस गए पेपर लेकर आया हूँ, एंड टाइम हो चुका है 9 बज गए, यहीं लेट हो गया। अब ये बैग बांध रहे हैं पीछे। सो गाइस मैं आपको बाइक्स के बारे में बता देता हूँ, ये है मेरी एंड ये है तालिब की जैन की बाइक, मिस्टर क्लीन, सेम जीटी वही 650। भाई एक सेल्फी ले लेने को। सेल्फी किस लिए भैया? इसलिए आप इतने फेमस हो बड़े भाई, इसलिए सेल्फी। ये तो मजदूरी करते हैं, कलाइयां दुखने लगी है 105 किलोमीटर में, बस करिए दो जीटी रखी जाएंगी। ये क्या है ये? भाई साहब इतनी मोटी पड़ गई पीछे ठेठ। मैं पीछे ट्रक आ रहा है, घर की याद आ रही है घर की। ओहो अब आया भाई मजा। और आई कैप तो तूने अंदर पहन भी ना रखा था। मैंने उतार के रख दिया ना, मैं हेलमेट के टाइम गिर गया यार, कोई पता भी नहीं चला। ये फर्जी राइडर 6 पकड़े गए चंडीगढ़ में, 6 राइडर। ये रास्ता सीधा जा रहा है ना, अलग से निकल गए कि ये राइडर लोंडिया थी पीछे लोंडिया। गाइस भूख लगना शुरू हो गई है और यहाँ पर एक ढाबा मिला है, यहाँ यूटर्न भी मिला है ये वाला, वरना इस रोड पर यूटर्न नहीं मिल रहा। लोग पीछे हैं तो मैंने सोचा मैं खड़ा हो जाऊं और उनको हाथ दे दूं और वो रुक जाए, क्रेन का काम नहीं चल रहा वरना यहाँ पे मेरा टाइम पास हो जाता। ओह क्या नज़ारा है, मज़े आ गए भी। और एक चीज़ और बताऊं इस रेस्टोरेंट की, अगर किसी को ये लगी है ना बहुत ज़ोर से तो भाई साहब जाना यहीं पड़ेगा। ए यहाँ वो देख रहा वो है टॉयलेट, पता नहीं रास्ता कहाँ से है। क्या लिखा है इस पे? अभी पेट्रोल पंप आया है, तीनों गाड़ियां अलग अलग थी लेकिन इसने एक इशारा करा। किस चीज का इशारा था? दोस्त फ्यूल का बता रहा था। ये फ्यूल का इशारा, ये काहे का था? ये वाला दूसरा एक और करा इसने, बता भाई कौन सा था। बाइक पे टंकी की से बाहर निकलते हुए दिखेगा। राइड विद तलवार, ये बीच रास्ते में मिले हैं हमें ब्लॉगर हैं बहुत दूर से। कहाँ से हैं भैया आप?
कहाँ से आप? बैंगलोर से। बैंगलोर से आए आप, कहाँ जा रहे हैं? स्पीति वैली। स्पीति वैली, पहले शिमला स्टे करोगे? देखना पड़ेगा, नारकंड सोच रहे हम लोग। नारकंडा सही है। रात में एक साइड को सोता हुआ रह गया और वही साइड मेरी रुक गई है, इधर वाला शोल्डर पे। बात ना, मसाज करा। फाइनली शिमला। मौसम बढ़िया है, टूरिस्ट भी हैं काफी, और अभी चिकन खाया है। चिकन से क्या मतलब, मासू गली है? मेरा मतलब बुआला चिकन नहीं था। जैन भाई दिख गए अभी थोड़ी देर को। अरे जैन भाई आए हैं यहाँ पर। सो गाइस, ये है शिमला का माल रोड। हाँ, मॉल रोड। मॉल रोड है भैया, मॉल रोड है, मैं कुछ कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ माल ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो माल रोड ही होगी। यार मैं किसी को माल कहा मैंने? हम भी तो माल ही है। तो माल है, सही बात। हम माल नहीं है। ओहो, ये वसीम भाई क्या कर रहे हैं? सनसेट, बेस्ट सनसेट एवर। इतनी ज्यादा रोशनी है, देखा तक नहीं जा रहा। जैसलमेर का भी नहीं था। और बहुत ज्यादा गर्म है ये, मुंह में रखते ही, मुंह में मतलब खाते ही। गर्मा गर्म रसगुल्ला, बहुत बढ़िया टेस्ट है यार। तीन चार प्लेट पर यार, देख लू भैया ना, ये देखो गाइस। और सोशल लाइफ से दूर रह गए, ऐसे रियल लाइफ में जब रहते हैं तो दिमाग खुलता है, क्रिएटिविटी खुलती है। ओके, तो लिखा भी अच्छा जाता है, पढ़ा भी अच्छा जाता है। पर इन लोगों पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर एक चैलेंज रख लिया है, 30 पुशअप्स जो मारेगा उसको मिलेगा 50 रुपए का नगद इनाम। चलो ये देखो, पलीतगिरी शुरू। जीरो लगा लिए, जीरो लगा लेना आगे। क्या टैक्सी? फेक टैक्सी? शोल्डर का दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पेन हो रहा है मेरे यहाँ पे। ये पता नहीं, मैं एक साइड को सोते हुए रह गया इस वजह से। हम जा रहे हैं कुफरी, घोड़ों की सवारी करने के। हाँ, कुफरी के लिए निकल रहे हैं। सुबह का वक्त 10 बजे, शर्त ये हुई थी कि 6 बजे सब उठ जाएंगे, लेकिन खाने वाला खुद 10 बजे उठा। वाह 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 वाह, मैं आंखों में बसाता हूँ पहले जो ये व्यू है पूरा, इसको बाद में मैं फोटो लेता हूँ। कैमरा कौन है? लग रहा है कोई हम जीटी से, स्प्लेंडर से मजदूरी करने जा रहे। पहले घोड़ों पे चलना, घोड़े पे बैठेगा ये आलम मेरे। जैन भाई डर रहा है ये तुमसे। चलते हैं पहले पर कुफरी पे, वो अभी ऊपर ही ले जाता। कुफरी से भी ऊपर। ये अस्तबल है जैसे वाइकिंग्स में और विचर में दिखाया जाता है। अब हम करेंगे हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग है ये? गधा राइडिंग, गधा राइडिंग। ये आलम भाई तुम तो हॉर्स बता रहे थे ये। ला भैया मैं ये काला वाला चाहिए। काला नहीं होगा, ले आएगा काला घोड़ा ना, मगर मिलता जुलता कुछ। खतरनाक रोड, और ये अकेला ऑटोमेटिक पर लगा हुआ। अबे भैया जाली है, मारेगा कि चल चल। अबे भैया, अरे अरे अरे, सबसे आगे है मेरा वाला, सबसे आगे है। मसला ये नहीं कि हम घोड़े पे बैठे हैं, मसला ये है कि रास्ता बहुत खराब है। ये देखो, और ये रास्ता देख रहे हो आप, नदियां बह रही हैं इस पे, और इस पे ये चल रहे हैं यार ये। चलो रोज रोज चलो, थको मत बेटा। अबे ओ ओ, सूंघ रहा है तो इसकी। बदतमीजी नहीं है? अबे भैया सेक्स वैक्स में चलेगा यार ये ऑटोमेटिक मोटर। टेस्ला का बाप है ये।
खचला बड़ा ही लैंड घोड़ा मिला भाई साहब, छठे नंबर पे था। बड़ी मुश्किल से ऊपर लाया हूं इसे। एक तो लगाम मुंह में लिए पड़ा, मुंह में लगाम भी नहीं दे दिया भैया। चल अबे सूंग मूंग मत यार, चल 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 चल। आ चुम्मा ले रहे हैं, अबे किस कर रहे हैं, इस मुझ मार रहे हैं, शॉर्ट कट मार रहे घोड़े। चल भाई किसके मार रहे हो, शेरिफ लग रहे हो। अबे घोड़ा कहां है, शेरिफ लग रहा है। अरे निकाला मैंने ना पहले ले आते हुए मारेंगे आपकी बार। तो भैया भैया सुनो तो, वो रेस थ्री का सलमान था वो। तो गाइस बर्फ तेज होने लगी अब, ये देखो मेरे हेलमेट पर दिख रही होगी आपको, बहुत अच्छी बर्फ पड़ने लगी। वाह क्या बात है, नसीब अच्छा निकला। चलो जल्दी चलो, ये भट्टा की चीज का इस चीज की तरह लग रहा, एनल हो गया भाई बर्फ के साथ, एनल हो गया। अभी पीछे बर्फ मिली थी हमें, 5 मिनट के लिए पड़ी लेकिन मजा आ गया। दूसरी बार बर्फ पड़ती हुई देखी है, पता नहीं क्यों 5 मिनट के लिए पड़ी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, शायद हमारा बैल कम किया बर्फ। थक गया आलम भाई, ये तुम्हारे साइन जो है ना, ये बाइकर के गंदे साइन। अबे इनकी बहन की चोरी, अबे